शांति की अपील की है और सुप्रीम कोर्ट में इस अहम फैसले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में न्यायाधीश अपना फैसला भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर ये निकल कर आया है कि सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, कार्रवाई पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सबसे पहले तो शांति बरकरार रखने की अपील की है जनता से, और अयोध्या केस में ये फैसला आ जाना है, सुप्रीम फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि कोई पुख्ता जानकारी जैसमें नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड का जो दावा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अलग अलग सुनवाइयां हुई थी अलग अलग यहां पर। अयोध्या मामले में फैसला आने वाला है और जैसे सबने अपील की है, हम भी अपील करते हैं कि इसमें शांति और सौहार्द बनाए रखें। सभी नागरिकों से हमारी अपील है, इसमें कोई हार और जीत का विषय नहीं है। ये विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का सम्मान करने का है। इसलिए हम सब लोग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जैसा भी आएगा, उसका सम्मान करेंगे। और सब नागरिकों से मैं अपील भी करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और शांति और सौहार्द बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये फैसला किसी की जीत और हार का नहीं है, ये देश का फैसला है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तो बड़ी खबर है अयोध्या केस पर आज फैसला आने वाला है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल